अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? अच्छे। ओके, तो आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लीज हेल्प। क्या नाम है? प्लीज हेल्प। नाम सुन के क्या लग रहा है आपको? क्या किस रिलेटेड होगा हमारा लेसन? दूसरे दूसरे की हेल्प करना। ओके, और आप बोलो। मतलब कि दूसरे की हेल्प करना, वो गिर गया तो उसको उठाना। ओके, आप बोलो, आपको क्या लगता है प्लीज हेल्प मतलब क्या? दूसरों की हेल्प करना। ओके, दूसरों की हेल्प करना है ना। प्लीज का मतलब क्या होता है? वो आप मुझे ये करना। प्लीज मतलब क्या होता है? प्लीज हम कब बोलते हैं? मदद किसी से हेल्प। हाँ, तब हम क्या बोलते हैं? प्लीज बोलते हैं। सिर्फ हेल्प मांगने के लिए नहीं, हमको उनसे कुछ ये काम है, हमको उनको इंसिस्ट करना है, उनसे गुजारिश करनी है, तब हम क्या बोलते हैं? प्लीज बोलते हैं, है ना। प्लीज क्यों बोलना है हमको? हम उनको डायरेक्ट बोलेंगे कि हेल्प करने के लिए तो सही रहेगा। प्लीज क्यों बोलना है? यस, हेल्प करने के लिए तो बोलना ही है, लेकिन अगर आप प्लीज बोलोगे तो सामने वाले को हम अच्छा लगता है। मतलब हम उनको प्लीज बोल रहे हैं, प्लीज हेल्प मी या प्लीज गिव मी समथिंग, है ना। जब हम प्लीज बोलते हैं मतलब हम बोल रहे हैं कि प्लीज, आप गुजारिश कर रहे हैं उनसे कि आप मेरी मदद करेंगे क्या, हम उनसे पूछ रहे हैं, प्लीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज हमको बोलना है, हम डायरेक्ट ही बोलेंगे कि वो चीज दे दो, ये चीज चाहिए, क्या मेरी हेल्प करेंगे, और उसके आगे हम प्लीज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सही रहेगा क्या? हमको प्लीज बोलना चाहिए कोई भी चीज के लिए, वो हमको ये करना है तो, ठीक है, कोई चीज हमको चाहिए तो हमको उससे पहले प्लीज बोलना है, है ना। और हेल्प मतलब क्या होता है? दूसरे की मदद करना। हेल्प मतलब जो चाहिए वो देना। हेल्प मतलब उर्दू में उसको क्या बोलते हैं? मदद, है ना। आप सबको पता है हेल्प मतलब क्या होता है ना, मदद। तो आप लोगों ने किसी की मदद की है? हाँ। की है? किस किस की मदद की? आप कैसे मदद करते हो? अरे हम क्रिकेट में तो कुछ भी खेलते टाइम पे कोई कोई लोग गिर जाते तो उनको जाके उठाते। अरे वाह, गुड। तो उनको बोलते संभाल जरा, कुछ लगा भीगा नहीं ना। अच्छा, ऐसे पूछते हो आप। गुड, ऐसे ही करना चाहिए। और आप लोग, आप लोग किसी की हेल्प कर, आपने हेल्प की है किसी की? किसकी हेल्प की है आपने? किसकी? अच्छा, तो इस तरीके से आप मदद करते हो, है ना। किस तरीके से मदद करते हो आप? अगर नहीं भी करते होंगे, करते भी होंगे, तो मदद करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। मदद करेंगे तो क्या होता है? आपको, हम किसी का हेल्प करते हैं तो क्या होता है उससे? वो सामने वाला अपने को बुरा नहीं बोलता है, सब अच्छा बोलता है अपने बारे में। अच्छा, और नहीं तो नहीं उठाए ना उसको तो बुरा मानता है। अच्छा, और पीछे अपने अच्छा, और क्या, और क्या होता है हेल्प करने से? देखो, अगर कोई तकलीफ में है, है ना, परेशानी में है, हाँ, तो उसको हेल्प चाहिए। सपोज वो आपसे हेल्प मांग रहा है, प्लीज हेल्प मी, ऐसे करके, और आप पे डिपेंड है, आप हेल्प करो और नहीं करो, आपको कोई कुछ बोलेगा क्या उसमें? नहीं बोलेगा। लेकिन हो सकता है कि सामने वाले को जरूरत हो लेकिन आपने उसकी हेल्प नहीं की, है ना, आपने उसकी हेल्प नहीं की, है ना, उसमें कोई कुछ आपको नहीं बोलेगा लेकिन उसको बुरा लगेगा। और आपको इससे, आपको आपकी जो वैल्यूज है, जैसे कि आप कितनी हेल्प करते हो किसी की, कितने हेल्पफुल हो, इससे जो है आपकी वैल्यूज पता चलती है। अगर आप उनकी हेल्प करते हो मतलब आपकी वैल्यूज जो है वो अच्छे, अखलाक आपके अच्छे हैं, और नहीं भी करेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन वो बुरी बात है। कोई अगर तकलीफ में हो तो हमको उसकी हेल्प करना चाहिए, है ना। आप करोगे ना हेल्प? आप जैसे अपने क्लास में होते होंगे तो क्लास में कभी किसी का शार्पनर खत्म हो जाता है, शार्पनर पेंसिल का, पेंसिल की नोक टूट जाती है, उसको शार्पनर की जरूरत होती है, कभी इरेजर चाहिए रहता है, आप एग्जाम्स में बैठे होते हो, कभी कोई शार्पनर भूल जाता है, कोई कंपास ही भूल जाता है, तो आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीजें होंगी, सपोज आपके पास दो पेंसिल्स है
तो आप उसको एक दोगे या बोलोगे नहीं ये मेरी पेंसिल है? देना चाहिए ना। तो उसको एक पेंसिल देंगे आप तो क्या होगा, आपको अच्छा फील होता है, आपको भी अच्छा लगेगा, अरे मैंने इसकी मदद की है ना। और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा ना, वो क्या बोलेगा, थैंक यू बोलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब सपोज आपने कुछ नहीं लाया हो, आपने आपका कुछ शॉर्पनर भूल गए घर पे, कोई बुक भूल गए घर पे, कुछ भी रबर भूल गए, तो आप अगर आपको रबर लग रहा है, इरेजर लग रहा है, तो आप उससे मांगोगे तो आपको देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि हमने भी उसकी मदद करी थी। तो इस तरीके से क्या होता है, जब उनको भी जरूरत होती है तो सामने वाले मदद करते हैं, है ना। और जब उसको जरूरत है क्योंकि आपने मदद की, तो आपको जब जरूरत है तो वो भी मदद करती है। तो हेल्प करना अच्छी बात है, हेल्प हमें करनी चाहिए। कभी बूढ़े होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं हमारे घर में, है ना, उनको कभी पानी लाकर देना होता है तो उनको पानी लाकर देना चाहिए। वो कभी आपसे पानी मांगते हैं, कुछ चीज मांगते हैं कि वो चीज वहां से दे दे, ये चीज कर दे, तो आपको उनको देना चाहिए, करना चाहिए ना। या आप खेलने को जा रहे हो, नहीं मैं भी खेलने को जा रहा हूँ, इस तरीके से बोलना चाहिए, पहले उनको दे देना चाहिए। क्या होता है, हेल्प करेंगे ना तो अपने को अच्छा लगता है और सामने वाला भी खुश हो जाता है अपने से, अपने बड़े होते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, इससे हमारी वैल्यूज बढ़ती है, हमारे अखलाक समझ आते हैं, है ना। तो आप करेंगे ना हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना। गुड, चलो थैंक यू।